हे डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात किस चीज़ के बारे में करेंगे। अब केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या मतलब है? अब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो काफ़ी सारे इफेक्ट्स देता है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद हो तो हमने आपको उसमें बताया था कि कितने सारे इफेक्ट्स देता है, जैसे मैग्नेटिज्म का इफेक्ट देता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से लिंक्ड हैं। तो मैग्नेटिज्म की तो हमने पहले बात कर ली थी, तो आज हम बात करेंगे इस केमिस्ट्री का टॉपिक में, दैट इज़ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के जो केमिकल इफेक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से परफॉर्म होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारी डे टू डे लाइफ की। अब वी कैन नॉट इमेजिन आर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और ये बात आपको भी पता है। आगे क्या है, साथ ही साथ इसने हमारी लाइफ्स को काफ़ी ईजी कर दिया है। वो कैसे, अब जैसे अगर आपको कपड़े धोने हों तो आपको फिजिकल मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, सिंपली आप वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन कीजिए एंड देयर वी गो, आपकी लाइफ इजी। तो इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे पंखा, फ़ैन, तो इससे हमारी लाइफ काफ़ी इजी कर दी है, ठीक है। हमारा एफर्ट इसने हर तरह से कम कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी ने। तो आगे क्या है हमारे पास, ये इतना ज़्यादा यूज़फुल होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के कुछ डेंजरस इफेक्ट्स भी हैं उसके साथ साथ ही, जैसे उसकी हैंडलिंग करना प्रॉपरली वो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए उनको आप गीले हाथों से हाथ मत लगाइए, तो ये भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको इससे करंट लग सकता है, तो करंट लगना अगर ज़्यादा झटका लग गया तो शायद आप प्यारे भी हो सकते हैं भगवान को, सो दैट इज़ द रीज़न। तो इसलिए ये कुछ इसके अगर गुड इफेक्ट्स हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि ये डेंजरस काफ़ी होती है। और साथ ही साथ क्योंकि जो आपका पानी है, स्पेशली वाटर, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाटर बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही मेन सारे केमिकल इफेक्ट्स के पीछे रीज़न है, ठीक है। तो आगे क्या बात करेंगे हम, आप कहते हैं प्रीवियस चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपको गुड और बैड कंडक्टर्स के बारे में पता चला, जैसे वुड हो गया, कॉपर हो गया, वाटर, रबर एटसेट्रा। तो अब वुड, कॉपर, वुड और रबर क्या हो गया आपका बैड कंडक्टर्स, जबकि आपका कॉपर और वाटर क्या हो गया, गुड कंडक्टर्स। तो इस तरह से ये चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। तो आगे क्या है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड्स वाकई ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए कि वो कंडक्ट करते हैं कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक तरह का ना आप सर्किट बना लीजिए और एक टेस्टर ले लो। टेस्टर यूजली एक छोटा सा, जो आपके यूजली जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उस पर भी आपको टेस्टर्स मिल जाते हैं, आसानी से वो अवेलेबल होते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना होता है कि जो टेस्टर्स है उनको टच करवाते हैं और उसके अंदर एक बल्ब होता है, वो जलना शुरू हो जाता है। तो उससे आपको क्या पता चल जाता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंडक्शन हो रही है विदिन द सॉलिड और लिक्विड वट एवर इट इज़। तो इस तरह से आपको पता चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले तो सेल जो है सिंगल सेल मत लगाइए, उसकी जगह पे बैटरी लगा दीजिए, फिर आपको टेस्ट करने में आसानी होगी। उसके बाद आपका कीजिए एक सर्किट बनाइए, उसमें क्या लीजिए, लिक्विड ज़रूर इंक्लूड कीजिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या करें, कुछ सिचुएशन में जो आपके लीक्वर्ड्स हैं वो कंडक्टिंग होते हैं और कुछ सोल्यूशंस, कुछ सिचुएशंस में नहीं। मतलब अगर आप बात करें, अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया है एक सर्किट में और दूसरी तरफ आपने लिया नॉर्मल वाटर, ठीक है, जो डिस्टिल्ड नहीं है, तो कौन सा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो जो आपका नॉन कंडक्ट, जो आपका नॉन डिस्टिल्ड वाटर होगा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं करेगा। अब ये जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना इन द वाटर, ये किस वजह से होता है, ये इसलिए होता है बिकॉज वाटर के अंदर होते हैं आयंस, काफ़ी सारे आयंस होते हैं, और ये जो आयंस हैं जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एज अ चार्ज ये मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ओके। पर अगर आपका डिस्टिल वाटर होगा तो डिस्टिल वाटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज उसमें जितने भी आयंस होते हैं आपके, आप सबके सभी रिमूव कर देते हो, तो सिंपली आपके पास पानी ही बचता है, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। सो दिस इज़ द रीज़न, इसलिए ये सोल्यूशन टू सोल्यूशन वेरी करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी किसी सर्किट में या नहीं। आगे बात करते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, फिर से वही बात आ गई। तो ये कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, आप सर्किट में एक बल्ब भी लगा दोगे, ठीक है, ताकि ये ग्लो करे, आपको पता चल जाए कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हुआ है या नहीं। आगे क्या है, हाउ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब जो आपके लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही कैसे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होगी, जब आप उसको पानी में मिक्स करते हो तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब आप उसको अलाउ करते हो बीच में पास करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में, पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देती है। जैसे आपका वाटर था H2O, ठीक है, जैसे अगर आपको पानी है H2O, तो वो इसको ब्रेक डाउन किस में कर देगी, H पॉजिटिव एंड OH
नेगेटिव में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक डाउन, तो जिसकी वजह से आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, तो दिस इज द रीज़न। तो आगे बात करते हैं, अब उससे बात की है, जो आपके चार्ज पार्टिकल्स या फिर आयंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब ये चार्ज ही हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आगे क्या है, मोर द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फास्ट होगी, और दिस इज़ द रीज़न, इसलिए हम जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते हैं, नो आयंस अवेलेबल, और जबकि आपकी जो सॉल्ट वाटर हो गया या फिर सिंपल वाटर हो गया उसके अंदर काफ़ी सारे आयंस होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो आप नॉर्मल कंपोनेंट्स होता है ना, जैसे जो आपका न्यूट्रल कंपोनेंट हो गया किसी भी सॉल्यूशन का, न्यूट्रल कंपोनेंट को आप ब्रेक कर देते हो इनटू चार्ज पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं। जिस तरह से आपने पानी को ब्रेक डाउन किया OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में, तो यहाँ पे एनोड की जगह पे जो कि होता है आपका पॉजिटिव, तो ये एनोड के ऊपर भाग जाएगा, और जो कैथोड है वहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव वाला इसकी ओर भाग जाएगा, तो दिस इज योर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोरॉड, इलेक्ट्रोरॉड पता क्या होती है आपकी, ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो ना एनोड एंड कैथोड, दीज आर योर इलेक्ट्रोरॉड्स, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख भी सकते हो, एक होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोरॉड, एक होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोरॉड, और जो आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोरॉड होती है उसको आप एनोड बोलते हो, और जो कैथोड होती है वो आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोरॉड होती है, तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रोरॉड काम करती हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का सोल्यूशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन है जिसमें आपने अपने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है, सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रोलाइट, और जब इलेक्ट्रोलाइट में से आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो वो क्या करती हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स में, तो जिसकी वजह से दिस स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज़ योर इलेक्ट्रोलाइट। आगे बात करते हैं एनोड एंड कैथोड, अब जो आपकी इलेक्ट्रोड्स होती है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड, जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स निकालती हैं, पॉजिटिव चार्ज निकालती हैं, और जो कैथोड है वो नेगेटिव, तो इस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो नेक्स्ट इज योर एनाइन और केटाइन, एनाइन जो होते हैं वो नेगेटिव पार्ट होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है यूजली, और जो केटाइन होते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आगे अब बात करते हैं हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या पता चल रहा है, जैसे कि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका पास करता है किसी भी सॉल्यूशन से, तो वो जो सॉल्यूशन को क्या करता है, आयोनाइज करता है, आयोडाइज नहीं आएगा, आयोनाइज करता है एंड उसको ब्रेक कर देता है चार्ज आयंस में या फिर सिंपली आयंस में। ये इसलिए होता है क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होता है ना इलेक्ट्रिक करंट के दौरान, तब ये केमिकल रिएक्शन चलता है जो इनको स्प्लिट कर देता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को इनटू चार्ज आयंस या फिर सिंपली आयंस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट करने की वजह से फिर आपके पास आ जाता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोड की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आप देख सकते हो, जैसे सबसे पहले मेटालिक डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अब जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उस पर हो सकते हैं जो आपका मेटल है वो शायद डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, तो पहले एक चीज़ ये हो सकती है, फिर चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन, शायद जो आपका सॉल्यूशन उसका कलर ही चेंज हो जाए, फिर रिलीज ऑफ गैस और प्रोडक्शन ऑफ बबल्स, या तो जो बबल्स हैं या तो गैस है वो रिलीज होनी शुरू हो जाए, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आगे इसकी एप्लीकेशन किस में आती है आपकी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, सबसे पहले आती है इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एप्लीकेशन, अब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो मेटल है उसको क्रोजन से बचाते हो, तो आप करते क्या हो, जो मेटल है जैसे आपका आयरन उसके ऊपर आप एक और मेटल की लेयर चढ़ा देते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस करते हो, तो इसलिए इसको हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप कॉपर प्लेटिंग कर रहे हो, तो आपने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन था इसमें सिल्वर के थॉट डाल दी, एक बैटरी कनेक्ट कर दी और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रख दिया, बीच में कॉपर सॉल्यूशन और एक कॉपर एनोड, तो इस तरह से आपने क्या की, कॉपर प्लेटिंग कर दी है। आगे क्या, इट इज़ यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज फॉर डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल, अब ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह के मेटल्स की जाती है, निकल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ब्रास, जिंक, क्रोमियम, प्लेटिनम एटसेट्रा, तो इस तरह से आप करते हैं उसका इस्तेमाल। आगे क्या है,
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन कुछ और भी हैं। इसकी एप्लीकेशन आ जाती है जैसे आपकी मेडिकल इक्विपमेंट्स, काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो यूजली उनके अंदर ऐसा आप मटेरियल ऐसा मेटल यूज़ करते हो अगर आप डायरेक्टली ह्यूमन स्किन के साथ या फिर ह्यूमन की बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में लाओगे तो उसके लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादातर क्योंकि ये निकल के बने होते हैं और ये निकल जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, सो इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके एक प्लेटिनम की लेयर चढ़ा दी जाती है जो ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम हार्मफुल होता है। तो इस तरह से आप अपने इक्विपमेंट को आराम से यूज़ कर सकते हो। आगे आप काफ़ी सारे ज्वेलर्स होते हैं तो वो ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, तो अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए, जैसे आप कह सकते हो जो दो नंबर का काम होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं किसी इनएक्सपेंसिव मेटल का क्या बना देते हैं अपनी पूरी की पूरी ज्वेलरी, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है जो यूज़ करते हैं और आप ज्वेलरी को देख के पहचान नहीं पाओगे कि ये वाकई गोल्ड है या सिल्वर है। तो आगे क्या है, काफ़ी सारे आपके किचन के इक्विपमेंट्स होगी, जैसे बाथरूम की टैप्स होगी, आपकी कुछ कार के पार्ट्स होगे, इनके ऊपर भी क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ताकि इसके ऊपर रस्टिंग ना हो सके, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो आप मटेरियल है वो एल्युमिनियम होता है और एल्युमिनियम बेचारा काफ़ी रिएक्टिव होता है तो ये काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है, इसके ऊपर रस्ट बहुत जल्दी चढ़ती है, तो इसके ऊपर एक क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है। देन कम्स जो आपके आयरन के कैंस होते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है टिन के साथ ताकि उसमें खाना स्टोर किया जा सके, क्योंकि जो आपका टिन है वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता, जबकि आपके जो आयरन के कैंस है दे आर हाईली रिएक्टिव और खाने के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं और खाने को ख़राब कर देते हैं। आगे आके आपके काफ़ी सारे जो ब्रिजेस हैं उनमें क्या होता है, उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हो गए वो ऑटोमोबाइल की या ये सारे के सारे क्या किसके बने हुए हैं, आयरन के, क्योंकि आयरन के पास स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, मतलब सॉलिड काफ़ी होता है, मजबूत काफ़ी होता है, तो ये करोजिव होने की वजह से इसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जाती है और इस प्रोसेस को हम गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन कब बोलेंगे, जब जिंक का कोट चढ़ रहा है, सिर्फ उसी केस में। तो आगे बात करते हैं बाकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, अभी तो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात की है, तो आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर्स। अब जो मेटल ओर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं आप इसी प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करते क्या है, सबसे पहले जो प्योर मेटल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल ओर से विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से आप करते हो, आप करते क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास करते हो मेटल ओर्स में से और वो क्या हो जाते हैं बेचारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं आयनिक लैटिस में, मतलब आयनिक पार्टिकल्स में, और साथ ही साथ ये जो मेटल है फिर आप आराम से उसको इजीली ऑब्टेन कर लेते हो, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी इसी प्रोसेस से आते हैं। तो नेक्स्ट इज प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। अब जो मेटल है उसको प्योरीफाई करना है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को फिर से यूज़ किया जाता है टू प्योरीफाई अ मेटल, किया जाता है इम्प्योरिटीज इसी प्रोसेस से सेपरेट की जाती हैं, तो जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है, फिर ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है प्योर फॉर्म में, तो फिर ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं मेटल की इस तरह से रिमूव कर ली जाती हैं और जो मेटल्स हैं एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, ये सारे इसी मेथड के थ्रू आप प्योरीफाई करते हो। आगे बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड में आप क्या करते हो, केटाइन और एनायन को दोनों को कंबाइन करके आपका क्या बन जाता है, कंपाउंड। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनाते हो और नॉन मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके आप मॉलिकुलर कंपाउंड बना देते हो। तो ये प्रोसेस है जो आप बेसिकली फॉलो करते हो। इलेक्ट्रोलिसिस में आप सिंपली क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करते हो, केटायन और एनायन को, मतलब मेटल और नॉन मेटल को, ताकि आप एक नया प्रोडक्ट और एक कंपाउंड बना सको। तो आगे डीकम्पोजिशन, अच्छा ये डीकम्पोजिशन में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जो प्रोडक्ट बना होता है उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हो तो वो बेचारा ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो यहीं तक था एंड दैट इज़ ऑल। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, एंड इसके हम MCQs नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।